हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक सम डिफरेंट टॉपिक है, बिकॉज आज मैं आपको एक चीज बता रही हूं। जैसे मैं अभी तक बोलती आई हूं कि मीठा छोड़ दीजिए, मीठा छोड़ दीजिए, मीठा छोड़ दीजिए, आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, आप मोटे हो रहे हो। तो आज मैं आपको बता रही हूँ मीठा खाइए खाइए खाइए, तभी आपका वेट कम होगा, तभी आप स्लिम होगा, तभी आपकी बॉडी से चर्बी जाएगी। जी हाँ, आज मैं एक ऐसी चीज लेके आई हूँ कि जी भर के मीठा खाइए, आपको सर्दी नहीं लगेगी, आपको बॉडी में कफ नहीं रहेगा, आपको बिल्कुल भी जो है बॉडी में चर्बी नहीं चढ़ेगी, मोटापा नहीं चढ़ेगा, इवन आप स्लिम होते चले जाओगे। और लेकिन हाँ, सिर्फ सर्दियों भर आपको इसे लेना है, बिल्कुल भी सर्दियों के बाद आप इसे नहीं लेना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, आप भी इस रेसिपी के लिए काफी एक्साइटेड हो रहे होंगे, बिकॉज में मीठा है। और हाँ, डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं, लेकिन लेस अमाउंट में। ऐसा नहीं है मैं ये बोल रही हूँ बिल्कुल नहीं, लेस अमाउंट में आप ले सकते हैं, वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगी कितना अमाउंट में लेना है। एक बार जरूर ट्राई करिएगा मेरे कहने से, क्योंकि मेरी यम्मी रेसिपीज में से एक है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले, जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब करिए, और जो एक छोटी सी बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वरना मेरे वीडियो का आपको जो है बिल्कुल भी ऑप्शंस नहीं आएंगे, आपको मेरे वीडियो नहीं मिलेंगे। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए एक पैन या फिर तवा। ये मेरा मिट्टी का तवा है, आप देख सकते हैं, और मैंने सिर्फ 100 रुपए का ये खरीदा था एक मेले से, इसलिए ये इतना ब्लैक है, ये गंदा नहीं है। और इसके बाद आपको चाहिए 1 टेबल स्पून भर के अजवाइन, और इसे आपको रोस्ट करना है लाइट ब्राउन, यानी कि आपको महक आने लगेगी, इसकी खुशबू आने लगेगी, ये जो है रोस्ट हो गई है, तो इसे रोस्ट करें। और इस तवे के बारे में बताऊँ तो इसमें पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं, रोटियां तो नहीं, पराठे, क्योंकि ये मिट्टी जो है उस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसकी सबसे खास बात यह है। तो इसे मैं रोस्ट करती हूँ धीमी धीमी आँच पे। उसके बाद हम दूसरा स्टेप अपना फॉलो करते हैं, गुड़ लेते हैं एंड कद्दूकस लेते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा है जो इस गुड़ को हम पी सकते हैं, क्योंकि ना ये ग्राइंड हो सकता है ना कुछ होता है। तो मुझे जब भी गुड़ को इस तरह मैश फॉर्म में चाहिए होता है, मैं इसे कद्दूकस कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं मेरा ये जो गुड़ है यहाँ पे मैश होता है, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपनी गरम गरम अजवाइन। तो ये देखिए, जो मेरी अजवाइन है वो भी रोस्ट हो चुकी है, और इसको इसमें गरम ही गरम ऐड करना है। इससे क्या होगा, जो हमारा गुड़ है वो गुड़ भी पिघल जाएगा। गुड़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको नहीं लेना है, सफिशियंट अमाउंट में लेना है, और हो सके तो देसी गुड़ लेना है। उसके बाद हाथों पे थोड़ा सा घी या ऑयल लगाइए, जिससे कि ये आपको चिपके नहीं, और हमें इसे छोटे छोटे लड्डू बनाने हैं। आप चाहें तो अजवाइन को पीस भी सकते हैं, मैं नहीं पीसती हूं। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए, ये फैट बर्नर का बहुत अच्छा काम करेगा, आपके मीठे की क्रेविंग को बहुत कम करेगा, और सेकंड चीज, आपको सर्दी नहीं लगने देगा। जिनको भी हड्डियों में प्रॉब्लम रहती है, घुटनों में प्रॉब्लम रहती है, उनके साथ जैसे कि आपने सुना होगा, गांव वाले कहते हैं जब पुरवैया आती है तो हड्डियों के दर्द या पुरानी चोट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये उसको भी बहुत अच्छे से करेगी, और बॉडी में स्वेलिंग नहीं चढ़ने देगी। जिनको भी अभी बेबी हुए हैं, जो हाँ ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, वो ये ले सकती हैं, उससे क्या है उनके बच्चे को सर्दी नहीं लगेगी, क्योंकि दोनों चीज़ें गर्म हैं। तो इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा।
तो अभी मैं जस्ट लड्डू बना रही थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो फिनिश करती हूँ। तो इस लड्डू को आप मॉर्निंग में ले सकते हैं, इस लड्डू को जब भी आपके मीठे की क्रेविंग हो आप ले सकते हैं। 2 से 3 लड्डू इनफ है एक दिन के लिए और टेस्टी भी लगते हैं। ट्राई जरूर करिएगा, जैसा भी रिव्यू हो मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। हाँ, कितनी यम्मी सी रेसिपी है और इसके साथ आप वेट बहुत अच्छा सा लॉस करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को भी मीठे की जरूरत होती है। तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा, सिर्फ सर्दियों पर। अगर सर्दियों के बाद आपने ट्राई किया तो आपको पायस की दिक्कत हो सकती है, आपको और बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।